OnePlus Nord 2020 का मोस्ट हाइप स्मार्टफोन, या फिर आप इसे बोल सकते हो 2020 का मोस्ट ओवर हाइप स्मार्टफोन। और ओवर हाइप इसलिए क्योंकि इसे जिस तरह से प्रमोशन किया गया था, जिस तरह से इसका हाइप बनाया गया था, उस लेवल का इसमें स्पेसिफिकेशंस नहीं है। मतलब कि इसको प्रमोशन किया गया था फ्लैगशिप लेवल कैमरा फोन बोल के, लेकिन इसमें फ्लैगशिप जैसा कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मल सा कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है सोनी IMX586 सेंसर के साथ। इसमें OIS का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। इसमें डेप्थ सेंसर और माइक्रो सेंसर का ऐसा कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। इसके जगह पे अगर कोई टेलीफोटो लेंस होता तो काफ़ी बेटर रहता। पोर्ट्रेट मोड में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और 2x ऑप्टिकल जूम भी मिल जाता है टेलीफोटो लेंस में, तो वो काफ़ी बेटर रहता है। लेकिन ये भी सच है कि इस प्राइस रेंज में आपको कोई दूसरा ऐसा फ़ोन नहीं मिलेगा जिसमें OIS का सपोर्ट दिया गया हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है OnePlus Nord के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है। तो पहले तो आपका स्मार्टफोन है, फिर एक बैक कवर दिया गया है। इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन इसमें दिया गया है। फ़ोन के साथ अगर आप इसको यूज करते हो तो देखने में भी ये अच्छा लगता है। और साथ में एक सिम इजेक्टर टूल है, 30 वाट का फास्ट चार्जर है, एक टाइप सी केबल दिया गया है। और फोन में कोई 3.5mm का जैक नहीं है, तो बॉक्स के अंदर एक टाइप सी टू 3.5mm का एडाप्टर होना चाहिए था। और मेरे हिसाब से इस बजट रेंज में अगर आप फ़ोन लॉन्च कर रहे हो तो फ़ोन में ही एक 3.5mm का जैक देना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको अलग से एक वायरलेस ईयरफोन लेना पड़ेगा। 1000-2000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और ये मेरे पास इसका 12+256GB वेरिएंट है और ये इसका हायर वेरिएंट है और ये सिर्फ एक ही कलर में आता है। अगर आप 8+128 लेते हो तो वहाँ पे आपको ब्लू कलर ऑप्शन में भी मिल जाएगा और मैं उसी को रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे आप कोई भी फ़ोन ले लो, किसी भी प्रोसेसर के साथ ले लो, 12GB रैम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। और स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ आपको 8GB रैम में भी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। 8GB और 12GB में आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसका और एक वेरिएंट आता है 6+64GB, वो सितंबर से उसका सेल स्टार्ट होगा, लेकिन मैं उससे आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इस फ़ोन में आप डुअल सिम का यूज कर सकते हो, कोई मेमोरी कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो 64GB आपके लिए काफ़ी कम पड़ जाएगा। तो 8+128 इसका सबसे बेस्ट वेरिएंट है और मैं इसी को आपको रिकमेंड भी करता हूँ। OnePlus Nord काफ़ी लाइटवेट है, बैक और फ्रंट दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। फ्रंट में 6.44 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और फ़ोन काफ़ी हैंडी सा भी है। आज के टाइम पे जो दूसरे फोन आते हैं काफी बड़े स्क्रीन के साथ आते हैं, ये मेरे पास Poco X2 है, स्क्रीन साइज इसका काफी बड़ा है और फोन भी थोड़ा सा हैवी है, तो डबल हैंडेडली इसको यूज करना पड़ता है। लेकिन OnePlus Nord काफी लाइटवेट है और स्क्रीन साइज भी इसका कम है, तो ये काफी हैंडी सा एक फोन है, तो ये चीज मुझे OnePlus Nord का काफी सही लगा। कुछ कैमरा सैंपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये फोटो नॉर्मल मोड में क्लिक किया गया है, ये 2x जूम के साथ है और ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ क्लिक किया गया है। ये फोटो मैंने नॉर्मल मोड में क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कलर को ये थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। ओवर सेचुरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बूस्टेड कलर यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, डिटेल वगैरह आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। और नॉर्मल मोड से आप जब पोर्ट्रेट मोड में शिफ्ट करते हो तो ये 2x जूम कर लेता है पोर्ट्रेट इमेज क्लिक करने के लिए, लेकिन आप नॉर्मल मोड में शिफ्ट करके पोर्ट्रेट इमेज क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल वगैरह काफ़ी अच्छा है और इमेज क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। ये फोटो मैंने नॉर्मल मोड में क्लिक किया है फ्रंट कैमरा से और इमेज क्वालिटी इसका काफ़ी बढ़िया है, डिटेल वगैरह भी इसमें काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलता है। इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी काफ़ी सही से काम करता है, इमेज क्वालिटी भी अच्छा है, थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है लेकिन इमेज क्वालिटी अच्छा है। और ये फोटो मैंने फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में क्लिक किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो एज डिटेक्शन में इसे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन इसको हम और अच्छे से टेस्टिंग करेंगे अलग अलग सिचुएशन में ये कैसा परफॉर्म करता है, तो बहुत जल्द आपको इसका कैमरा रिव्यू भी मिल जाएगा। इसमें एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट दिया गया है, ऑक्सीजन OS 10 के साथ में आता है और OnePlus का सबसे बेस्ट पार्ट यही है, ऑक्सीजन OS के वजह से आज के टाइम पे OnePlus अपना एक ब्रांड वैल्यू बना पाया है। तो इसमें आपको एक काफ़ी क्लीन और स्मूथ UI एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई फालतू के ब्लोटवेयर्स वगैरह इसमें नहीं मिलता। Amazon, Insta, Netflix जैसे आपको 4-5 प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग यूज भी करते हैं। और अगर आप इसे यूज नहीं करते तो आप इसे आराम से अन इंस्टॉल भी कर सकते हो। और अभी के टाइम पे OnePlus सिर्फ एक ही ऐसा चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है जहाँ पे कि आपको सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलता, तो ये भी OnePlus के लिए एक प्लस पॉइंट है। और OnePlus का सबसे यूनिक फीचर इसका अलर्ट स्लाइडर यहाँ पे आपको दिया गया है,
तो इससे आप नॉर्मल साइलेंट और वाइब्रेशन मोड में आराम से स्विच कर सकते हो। और साथ में इसमें आपको हैप्टिक वाइब्रेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, तो जब आप मैसेज टाइप करते हो या फिर डायलर में या फिर कैमरा में जब आप जूम वगैरह करते हो तो सब में आपको अलग अलग तरह का वाइब्रेशन मिलता है, जो कि आपको एक डिफरेंट और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। इसमें स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर यूज हुआ है और ये काफ़ी पावरफुल है, नॉर्मल गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप पबजी खेलते हो तो इसमें HD में हाई सेटिंग्स में आप खेल सकते हो, कोई लैग वगैरह इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन स्नैपड्रैगन 855 के साथ आपको जैसा एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा उस तरह का स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो आप कोई अगर हार्डकोर गेमर हो या फिर गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो तो OnePlus 7T या फिर Redmi का K20 Pro आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। OnePlus Nord के बहुत सारे फ़ोन्स में ग्रीन टिंट का प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है, तो मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन के साथ भी चेक किया, बिल्कुल अंधेरे कमरे में अलग अलग कलर्स के साथ इसके ब्राइटनेस को पूरा कम करके मैंने इसको चेक किया, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी ग्रीन टिंट का प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ यूनिट्स में इस तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, या फिर इसका जो हायर वेरियंट है 12GB RAM वेरियंट उसमें उस तरह का प्रॉब्लम्स नहीं है, जो कि मैंने भी यहाँ पे चेक किया है। और अभी तक मैंने जितने भी फ़ोन्स में देखे हैं इस तरह के प्रॉब्लम वो 8GB RAM वेरिएंट वाले थे, तो शायद से 12GB RAM वेरिएंट में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता क्योंकि दूसरे फ़ोन में भी हो सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम है तो आपको ये तब भी नोटिस होगा अगर आप अंधेरे कमरे में फ़ोन यूज कर रहे हो और ब्राइटनेस का लेवल 20% से भी कम है तो आपको ये नोटिस हो सकता है, और अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो ये आपको कभी भी नोटिस नहीं होगा। लेकिन फिर भी OnePlus के 8 Pro 8 में भी हमने इस तरह के प्रॉब्लम देखे हैं, तो OnePlus में ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो परमानेंटली इसका सोल्यूशन OnePlus को करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ही और कंटेंट के लिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।